जय श्री शंभु, हर हर महादेव। सभी माताओं बहनों को मेरी तरफ से हरितालिका तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हरितालिका तीज व्रत की कथा, और इस कथा को जो भी व्यक्ति सुनता है एवं पढ़ता है उसे जो है पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आज हम आपको सुनाने वाले हैं हरितालिका तीज व्रत की कथा, और यह भाद्र पक्ष के तृतीय तिथि को व्रत रखा जाता है। यह व्रत जो है निर्जला व्रत रखती हैं सभी माताएं एवं बहनें। तो बिना देर के वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को कर ले लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। तो कथा स्टार्ट करते हैं, कुछ इस प्रकार है। एक बार भगवान शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से हरितालिका तीज व्रत के महत्व की कथा कही थी। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि एक बार जब तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा के किनारे मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी, उसी घोर तपस्या के समय नारद जी हिमालय के पास गए तथा विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं, इस कार्य के लिए मुझे भेजा है। नारद की इस बनावटी बात को तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात नारद जी के विष्णु जी के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करने का निश्चय कर लिया है, आपकी स्वीकृति दें। नारद जी के जाने के बाद पश्चात पिता हिमालय ने तुम्हारे विवाह भगवान विष्णु के साथ तय कर दिया। यह बात जब तुमने जाना तो अत्यंत दुख तुम्हें हुआ और तुम जोर जोर से विलाप करने लगी। एक सखी के साथ विलाप का कारण पूछने पर तुमने सारा वृतांत कह सुनाया कि मैं भगवान शिव शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ कर रही हूँ, उधर हमारे पिता भगवान विष्णु के साथ संबंध तय करना चाहते हैं, मेरी कुछ सहायता करो अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने संतावना देते हुए कहा कि तुम्हें ऐसे वन में मैं ले चलूंगी कि तुम्हारे पिता को पता ना चलेगा। इस प्रकार तुम सखी को सहमति से घने जंगल में ले गई। इधर तुम्हारे पिता हिमालय ने घर में इधर उधर खोजने पर जब तुम्हें ना पाया तो बहुत ही चिंतित हुए, क्योंकि नारद से विष्णु जी के साथ विवाह करने को बात वो मान गए थे। वचन भंग की चिंता में उन्हें मूर्छित भी होना पड़ा। तब यह तथ्य जानकर तुम्हारी खोज में लग गए। इधर सखी सहित तुम सरिता किनारे की एक गुफा में मेरे नाम का तपस्या कर रही थी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर, यानी कि तृतीया तिथि पर उपवास रहकर तुमने शिवलिंग की पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया था। इससे मुझे तुरंत तुम्हारे पूजा स्थल पर आना पड़ा। तुम्हारी मांग और इच्छा के अनुसार तुम्हें अर्धांगनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। प्रातः बेला में जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी, उसे समय तुम्हारे पिता हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए और वो दोनों को देखकर पूछने लगे कि बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई। तब तुमने विष्णु विवाह वाली कथा सुना दी थी। यह सुनकर वे बहुत तुम्हें लेकर घर आए और शास्त्र और विधान के अनुसार तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। उस दिन से जो भी स्त्री इस कन्या में श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। आप लोगों को यह हरितालिका तीज व्रत की कथा, व्रत रहने के समान आपको फल की प्राप्त होगी, और जो भी सुहागन महिलाएं या अविवाहित कन्या इस व्रत को रखती है उसे जो है अखंड सौभाग्य और मन चाहा वर की प्राप्ति होती है। आप लोग को यह कहानी हरितालिका तीज की कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी न मिले। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री शंभु, हर हर महादेव।